हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे ब्लाउज़ पर बैक नेक डिज़ाइन, जो कि हमने फ्रिल से बनाया है। और सबसे पहले हम नेक तैयार कर लेंगे। मैंने बुकरम से नेक वी शेप में नेक कटिंग की है। आप राउंड शेप भी ले सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। और ये है फ्रिल बनाने के लिए 3 इंच की चौड़ाई की हमने पट्टी ली है। 3 इंच की चौड़ाई की है। इस तरीके की हमने 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं। तो सबसे पहले हम इस नेक को तैयार कर लेंगे एक स्क्वायर पीस पे रफ कपड़े पर, और इसे ब्लाउज पे सेट कर लेंगे। इसे बैक साइड में फोल्ड करके एक रफ सिलाई लगा लेंगे। आप गले की लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये 8.5 लंबाई का नेक तैयार कर रही हूँ मैं। ये हमने रफ सिलाई लगा ली है। अब हमें एक सेंटर में एक पॉइंट बनाना है और एक लाइन खींच लेंगे उस पर, और ऊपर से दोनों तरफ हम 1-1 इंच की दूरी पर पॉइंट लगाएंगे। इसी तरीके से नीचे भी हम 1-1 इंच की दूरी पर एक पॉइंट लगा लेंगे और दोनों को मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम ये रफल के लिए जो हमने पट्टी निकाली थी, इसे डबल फोल्ड करेंगे और एक रफ सिलाई लगा लेंगे ऊपर कॉर्नर फोल्ड करते हुए, ताकि जब हम रफल बनाएं तो इसमें कहीं पर उरीब ना आ जाए। क्योंकि कपड़ा कई बार होता है कि उरीब हो जाता है, उसमें बल आ जाता है। तो इस तरीके से पहले हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा फिनिशिंग के साथ हमारे ब्लाउज़ तैयार हो। दूसरे में भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। अब हमें ये लगानी है, तो इस तरीके से हम प्लेट्स डालते हुए हमें नीचे यहाँ जो पॉइंट हमने लगाया था वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। आधे आधे इंच पे हम प्लेट्स डालते जाएंगे, और जो हमारे नेक की शेप है उसी शेप में हमें ये अटैच करना है। ये हमने 1 इंच की जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इसे लगा लेंगे। और अगर आपका इसका कपड़ा एक्स्ट्रा, उसे कटिंग करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा इससे डिज़ाइन बनता है। आप ये कुर्ती पे भी बना सकते हैं, फ्रंट साइड में भी बना सकते हैं, या फिर आप बैक साइड में भी बना सकते हैं। ये हमने फ्रिल लगा ली। अब हमें लेस लगानी है। आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हैं। इस पर रेड कलर का बॉर्डर है, तो मैंने ये रेड गोल्डन लेस लगाऊंगी। जो हमने रफ लगाई उसी के ऊपर रखते हुए पहले हम एक कॉर्नर अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे लेस की। कपड़े को दबाते हुए हम अपनी फ्रिल को दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और जो हमने ये नीचे लाइन लगाई थी 1 इंच की दूरी पर, नीचे की तरफ ले जाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे।
इस तरीके से, और यहाँ से भी हम फोल्ड करके दूसरी तरफ ले जाएंगे लेस को। अब हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। बीच में आप लटकन या स्टोन कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।